नाज़रीन आदाब, पेश है कुव्वत समाज से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान पहले मरहले में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर मास्को में भारत रूस 22वीं सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा बाहमी कसीर रुख की ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का भी जायजा लेंगे और मौजूदा इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की कल की सरगर्मियों में भारतीय बरादरी के साथ बातचीत भी शामिल है। वो क्रेमलिन में गुमनाम सिपाहियों के मकबरे पर गुल दायरा भी नजर करेंगे। इन सरगर्मियों के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान महदूद सतह की बातचीत होगी और इसके बाद वफद की सतह पर तबादला ख्याल होगा। इम्तिहान मुनक़द कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2024 के लिए जवाबात की फहरिस्त जारी कर दी है। तलबा इन जवाबात को कल तक चैलेंज कर सकते हैं। जवाबात के इजरा के बाद अब नताइज का इंतजार है। उम्मीद है कि इन नताइज का ऐलान 1 हफ्ते के अंदर अंदर किया जाएगा। जवाबात से उम्मीदवारों के उनके नंबरों और हिस्सा लेने वाली 261 यूनिवर्सिटी में दाखिले के इम्कानात का अंदाजा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज नीट UG से मुतल्लिक अर्जियों की समाअत कर रही है। इनमें असर नौ इम्तिहान कराए जाने के मुतालबे से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई फहरिस्त के मुताबिक 26 अर्जियों का मजमुआ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड, जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाएगा। तलबा की तरफ से दाखिल की गई अर्जदाश्तों में नीट इम्तिहान के दौरान होने वाली मुबैना बेजाबतगियों की आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का मुतालबा किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग ने जम्मू कश्मीर में समाजी और इक्तसादी बदलाव में काफी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉलों का कल्चर भी फरोग पाया और बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच गहरा रिश्ता रहा। LG ने कहा कि 80 की दहाई में पड़ोसी मुल्क की तरफ से यहां शुरू की गई दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर के ख्वाबों और उम्मीदों का कत्ल किया। वो कल कल्चरल एकेडमी की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने द स्विंगिंग 70s, द स्टार्स, स्टाइल एंड सबस्टेंस इन हिंदी सिनेमा की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के अलावा
پولیس سربراہ آر آر سوین اور دیگر افسران بھی موجود رہے. آپسی تعلقات کو بہتر بنانے اور کاروباری اشتراک کو بڑھانے کے سلسلے میں چیک ریپبلک کے سفارتکار ایلسکا زیگووا کی قیادت میں اعلی سطحی وفد نے کل انڈین انٹرنیشنل سیفران ٹریڈ سینٹر پامپور کا دورہ کیا. یہاں پہنچنے پر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا. دورے کا مقصد جموں کشمیر اور چیک ریپبلک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے. آج محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے. یہ مہینہ نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا تھا جس میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے باطل کے خلاف نبرد آزما ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اسلامی کیلنڈر کے نئے سال کی شروعات پر کئی مذہبی اور سیاسی انجمنوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج صبح 5,803 یاتریوں کا 11واں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے وادی کی طرف روانہ ہوا, جن میں 4,521 مرد, 1,139 خواتین, 9 بچے اور 134 شردھالو شامل ہیں. اس طرح یاترا شروع ہونے سے اب تک 1,82,000 سے زائد یاتریوں نے پویتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں. قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے کل جموں کشمیر کے منشیات و دہشت گردی تال میل کیس کے ایک اہم فرار مجرم کو گرفتار کیا ہے. سید سلیم جہانگیر اندرابی عرف سلیم اندرابی 2020 سے فرار تھا. اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. کتنی بلندیوں